हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फोर्थ वीडियो ऑफ फॉर क्लास 11th ऑफ द बिजनेस स्टडीज़ एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पज़ ऑफ बिजनेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कितने पार्ट्स हम उसको क्लासीफाई करते हैं। इन द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस वी स्टडीड डेट द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस। ओके, तो देयर आर द टू थिंग्स इन द बिजनेस, वन इज द प्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज द एक्सचेंज। कि बिजनेस के अंदर दो चीज़ होती है, वन इज द प्रोडक्शन और दूसरा आपका क्या होता है, एक्सचेंज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मींस द कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। कि रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें, दैट इज द प्रोडक्शन। वी प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। एंड एक्सचेंज मींस वी परचेज द फाइनल गुड्स फॉर रीसेल इन द मार्केट। कि मार्केट में हम रीसेल के लिए फाइनल गुड्स को परचेज करें, दैट इज द एक्सचेंज। तो बिजनेस एक्टिविटी आर द क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, वन इज द इंडस्ट्रीज एंड द सेकंड वन इज द कॉमर्स। तो इंडस्ट्रीज रेफर्स टू द प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज किसको शो कर रही है, प्रोडक्शन, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड, इट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रीज। एंड कॉमर्स इट इज कॉल्ड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम द इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ द फाइनल गुड्स। कि फाइनल गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉमर्स। Now the industries are further classified into the three categories. One is the primary industries, second one is the secondary industry, and the third one is the tertiary industries. Okay. Now, what is the primary industries? Primary industries is basically related to the natural resources. Okay, or the living organism, or the species, or the tree, flowers, plants. These are the related to the natural resources. So, what is the meaning of the primary industries? Primary industries, that is the extraction and production of the natural resources. Okay, extraction and production of the natural resources and reproductions of the living species or the plants or the tree. Okay, this is called the primary industries, which is related to the extraction. Now, primary industries are the further classified into the two categories. One is the extractive industries and the second one is called the genetic industries. So, what is the meaning of the extractive industries? Extractive industries kya hota hai? Naam ye extraction from the natural resources. Okay, extraction yani natural resources se kuch cheez ko extract karna, nikalna. फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है उसमें से टिम्बर काट के हमने निकाली फॉर द बिजनेस पर्पज। ओके, फार्मिंग करी हमने बिजनेस पर्पज के लिए, दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज और द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। की नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं फार्मर्स, तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्शन करना है या एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एंड व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज, इट इज द रीप्रोडक्शन और द ब्रीडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स और इन द पोल्ट्री फॉर्म। तो दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इंडस्ट्रीज, जिसमें रीप्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का या प्लांट्स का, क्या बोलते हैं, नर्सरीज वगैरह में प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है, रीप्रोडक्शन होता है। तो दिस इज द extractive and the genetic industries. Now the second one is the secondary industries. What is the meaning of the secondary industries? Generally the secondary industry is used as a raw material of the primary industry to produce the further productions or the to produce the finished goods. Finished goods ko produce karne ke liye they use the raw material, they use the raw material. किसको रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करके फिर आगे प्रोडक्शंस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल टिम्बर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, टिम्बर का प्रोडक्शन किसमें हो, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, टिम्बर को कन्वर्ट कर रही है फर्नीचर्स में। ओके, टिम्बर्स को कन्वर्ट कर रही है स्लीपर्स में। तो दिस इज द वर्क ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। या जो मिनरल ओर्स का प्रोडक्शन होता है, इट इज़ द जॉब ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, बट इट कन्वर्ट इनटू द स्टील, इट कन्वर्ट इनटू द आयरन इन द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज यूज द रॉ मटेरियल ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करती हूँ टू प्रोड्यूस द फर्दर प्रोडक्शन। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर द फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, वन इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ओके, तो फर्स्ट आई एम टेलिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की एक खासियत होती है द प्रोडक्ट्स आर द इमूवेबल।
जो प्रोडक्ट्स होता है मूवेबल नहीं होता, इमूवेबल होता है। कि फॉर एग्जांपल द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, दीज कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जो कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्रीज होती है वो इमूवेबल होती है, जिसको आप मूव नहीं करा सकते। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, दे प्रोड्यूस द गुड्स बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो फिनिश प्रोडक्ट है प्राइमरी इंडस्ट्रीज को, उनको यूज करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उनके रॉ मटेरियल को हम यूज करते हैं, उनके फिनिश गुड्स को हम एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं। नाउ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड द एनालिटिकल, देन द सिंथेटिक इंडस्ट्रीज और सिंथेटिकल, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड द असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। ओके, तो दे आर द फोर, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। ओके, तो इसको हमने चार पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, फर्दर डिवाइडेड इनटू द फोर कैटेगरीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है, इन विच वन रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट फिनिश गुड्स। एक रॉ मटेरियल डिफरेंट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक ही रॉ मटेरियल से डिफरेंट फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन होता है। सिंपल फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल का प्रोडक्शन होता है, डीजल का प्रोडक्शन होता है, केरोसिन का प्रोडक्शन होता है, गैसोलीन का प्रोडक्शन होता है। तो द रॉ मटेरियल इज द सेम, बट इट प्रोड्यूस द डिफरेंट फिनिश गुड्स। वन रॉ मटेरियल डिफरेंट फिनिश गुड, दैट इज कॉल्ड द एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। नाउ सिंथेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, इन विच डिफरेंट रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स। एक फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है, डेट इज कॉल्ड द सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिकल। तो एनालिटिकल, वन रॉ मटेरियल डिफरेंट फिनिश गुड्स, डिफरेंट रॉ मटेरियल वन फिनिश गुड, डेट इज कॉल्ड द सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इन विच द प्रोडक्शन टेक्स द वेरियस स्टेप्स, द रॉ मटेरियल टेक्स द वेरियस स्टेप टू बिकम द फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ही रॉ मटेरियल को डिफरेंट स्टेप से गुजरना पड़ता है, डेट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। यानी वन स्टेज कंप्लीट करी, देन गोज टू द सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज, एंड ऑनवर्ड इट कन्वर्टेड, डेट इट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इन विच द डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड टू बिकम द फिनिश गुड्स बाय द रॉ मटेरियल। ओके, एंड द लास्ट वन इज द असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज क्या है, इन विच डिफरेंट फिनिश गुड्स आर द असेंबल्ड टू प्रोड्यूस द अनदर फिनिश गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम डिफरेंट फिनिश गुड्स को असेंबल करते हैं, हम डिस्प्ले को असेंबल करते हैं, हम सीपीयू को असेंबल करते हैं, मॉनिटर्स को असेंबल करते हैं, माउस को असेंबल करते हैं, हम उसके मदरबोर्ड्स को असेंबल करते हैं टू बिकम द फिनिश गुड, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल साइकिल इंडस्ट्रीज, साइकिल इंडस्ट्रीज में क्या, आपका सीट अलग हो गया, आपका व्हील अलग हो गया, आपका हैंडल अलग हो गया, ठीक है, बेल उसकी अलग हो गई। तो ऑल दीज आर द असेंबल टुगेदर टू बिकम द फिनिश गुड्स। ओके, तो एनालिटिकल याद करने के लिए, एनालिटिकल्स में वन रॉ मटेरियल डिफरेंट फिनिश गुड्स, सिंथेटिक different finished goods, then difference raw material and one finished goods, and assembling में different finished goods to become the new finished goods। यानी जो पहले से फिनिश गुड्स है उनको असेंबल करके एक हमने नया फिनिश गुड्स तैयार किया, डेट इज कॉल्ड द असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, वेयर वी असेंबल द फिनिश गुड्स। यहाँ पर हम फिनिश गुड्स को क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। एंड द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इन विच द रॉ मेटेरियल पास इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन टू बिकम द फिनिश गुड्स। ओके, नाउ जो जनरली जो कंस्ट्रक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का यूज़ करती है। जैसे बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट किसने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। आयरन किसने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल यूज़ करती है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के उसको रॉ फिनिश गुड्स को यूज़ करती है एज ए रॉ मटेरियल। ओके, थैंक यू।